माननीय उपसभापति जी, गोइंग ऑन रिकॉर्ड, बैठो। जावेद अली खान, अब उनका भाव सुन लीजिए सर पूरा। अरे क्या आप क्या बोलते हैं, बैठो। माननीय उपसभापति जी, आप बैठिए, टेंशन तो। अरे सिट डाउन प्लीज, आप बैठिए। नो यू हैव टू ओबे द चेयर। दूसरों में डिस्टर्ब, अरे हम लोग भी बोलना चाहते हैं। वन सेकेंड, सुनो, नो नो नो, अरे यू का योर पार्टी का फोर स्पीकर, आप अकेले स्पीकर नहीं है, चार स्पीकर है, इसलिए बैठिए। माननीय उपसभापति जी, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर जो स्वामी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बिल कितना महत्वपूर्ण है और हमारे देश में गाय जिसकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है वो कितनी महत्वपूर्ण है, गाय की उपयोगिता हमारे देश में कितनी अधिक है, इस बात पर बिल पेश करते हुए स्वामी जी ने प्रकाश डाल दिया। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, वैसे भी आपने मुझे कम समय ही दिया है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गाय को उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता होने के साथ ही साथ हमारे देश के अंदर एक उसका राजनीतिक महत्व भी आजादी के बाद कायम कर दिया गया है और समय समय पर गाय का जैसा वो उपयोगी पशु है, कब शुरू कर दिया, उसके साथ ही साथ उसका दुरुपयोग भी अपने राजनीतिक निःस्वार्थों के लिए हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल, विशेषकर कुछ नहीं, कई हैं और उनसे जुड़े हुए संगठन करते रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि गाय निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पशु है, इसका और इसके नाम का रत्ती भर भी दुरुपयोग हिंदुस्तान के अंदर किसी राजनीतिक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बिल पेश किया है उसको सरकार को मान्यता देनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शक्ति गाय की ही है। मैं उसके मूत्र की पवित्रता और उसके गोबर की गुणवत्ता पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यह शक्ति गाय की है कि जो लोग बावर की औलादों से बदला लेने की बात करते हैं, आज सदन के अंदर उन्होंने बावर और बहादुर शाह जफर को भी प्रेज किया, इसलिए मैं गाय को सलाम करता हूं। गाय मेरी मान्यता है, जितनी उपयोगी है और समाज के सभी वर्गों के लोग गाय को बरसों बरस से, और मेरे ख्याल से तो जब से मानव जाति का इतिहास है, गाय के संपर्क में रहे हैं और गाय का लाभ लेते रहे हैं, इसलिए हमारे देश में गाय को तत्काल राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। कोई इसमें संदेह नहीं कि गाय अति महत्वपूर्ण पशु है और उसे तो पशु कहना, चूंकि हमारे साथियों की और हमारे समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाएं उससे जुड़ी हैं, मैं उसे कोई दूसरा शब्द क्या हो सकता है, स्वामी जी से जानना चाहूंगा कि पशु के अलावा गाय को प्राणी कह सकते हैं, इस प्राणी को राष्ट्रीय प्राणी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि गाय के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, कैसा दुर्व्यवहार, कि उसे गाय के मांस का कारोबार करने के लिए बेच दिया जाता है। मैं ये चाहता हूं कि इस बिल के अंदर प्रावधान हो या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसी व्यवस्था हो कि गाय के पालन पोषण का काम जन्म से लेकर के गाय की मृत्यु तक ये व्यक्तियों के हाथ में न दिया जाए। जैसे रेल है,
अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र में है। गाय के पालन को उद्योग का तरह दर्जा दिया जाए और उसको राष्ट्रीयकृत किया जाए, सरकार गाय का पालन पोषण और संरक्षण करे। और जब ये हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, जब ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो ये काम करना चाहिए। और गाय के साथ अगर उसे किसी मांस के व्यापारी को कोई व्यक्ति बेचता हुआ पाया जाए, डिटरेंट की आप बात करते हैं, भय कायम करने की बात करते हैं, तो ये भी निश्चित कीजिए कि उस गाय के बारे में पूरी तफ्तीश होनी चाहिए कि ये किसके घर में पैदा हुई थी और किसने इसे मांस व्यापारी तक पहुंचाया है, उसको भी सजा देनी चाहिए। सिर्फ मांस भक्षण करने वालों को और मांस का व्यापार करने वालों को ही सजा नहीं देनी चाहिए। और फिर मैं तो यहां तक कहता हूं कि गाय हमारी संस्कृति है, और आज हम देखते हैं जब हम लोग विदेशियों के साथ संपर्क में आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मंत्री जी, तो विदेशी नेता कितना लिपट चिपट करके हमारा स्वागत सत्कार करते हैं। मैंने देखा वो अमेरिका वाले पहले वाले आए थे, वो भी कई मिनट तक लिपटे रहे, दूसरे वालों से मिले वो भी कई मिनट तक मिलते रहे, और अभी आपके इजराइल वाले आए थे, वो तो हाथ छोड़ने को ही तैयार नहीं थे, बिल्कुल लिपटे हुए थे। इनको भी चेतावनी दीजिए, इनको भी चेतावनी दीजिए, खबरदार, हमारी संस्कृति से प्यार करते हो तो हमसे प्यार करो, हमारी भावनाओं से अगर प्यार करते हो तो हमसे प्यार करो। और दुनिया के अंदर जिन देशों में भी गाय भक्षण या मांस का व्यापार होता है, उनके साथ अपने राजनयिक संबंधों पर विचार कीजिए। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि अगर दुनिया के किसी देश के अंदर भी अगर गाय का भक्षण या गाय का मांस का कारोबार हो रहा है, क्योंकि सिर्फ हमारा सवाल और नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, हम अपने देश के अंदर तो इंतजाम करें, हमारी काय की दोस्ती है अमेरिका के साथ, अगर तुम गाय खाते हो तो हमारे दुश्मन हो, अगर तुम मांस का व्यापार करते हो तो हमारे दुश्मन हो। इसलिए उन देशों के साथ, चाहे वो मुसलमान देश हो, चाहे जनवादी देश हो, चाहे किसी भी किस्म के देश हो, जो भी गाय के मांस का कारोबार करेगा, गाय के मांस का भक्षण करेगा, हम उसके साथ किसी प्रकार का राजनयिक संबंध नहीं रखेंगे। इतनी विल पावर, इतनी पॉलिटिकल विल आज इस सरकार के अंदर होनी चाहिए। और आज ये हो सकती है, स्वामी जी मैं बता रहा हूं, आप थोड़े से सख्त हो जाइए, आप हो जाइए सख्त, क्योंकि आपकी हम बचपन से जब हमने होश संभाला था, जब हम अपनी नाक भी साफ करना नहीं जानते थे, तब से हमने आपकी बहादुरी के किस्से सुने हैं। इस सरकार को आप ही मजबूर कर सकते हैं ये सब काम करने के लिए। okay. और ये निश्चित करिए कि गाय okay. का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, ना समाज के किसी वर्ग के खिलाफ, ना किसी राजनीतिक दल के खिलाफ। लास्ट मिनट, लास्ट लाइन, और जरा उन पे भी गौर फरमाइए, लास्ट लाइन उन पर भी गौर फरमा लीजिए कि जब आप या सरकार कहीं गाय के बारे में कुछ सही बात कहती है, कहीं कोई ये विषय चर्चा में आता है, तो आपकी ही कतारों से गाय के मांस की उपयोगिता बताने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, मंत्रिमंडल तक से आपकी ही पार्टियों के यूनिट खड़े हो जाते हैं गाय के मांस को खाने की कसम खाने के लिए, और आपके ही मुख्यमंत्री गाय का आयात करने का दूसरे प्रदेशों से और गाय की कमी ना होने का वायदा करते हैं। ऐसे लोगों को भी पदों से हटाइए और भाजपा के अंदर एक ओपिनियन बनवाइए कि इस तरीके के लोग कम से कम देश में रहे ना रहे, आपकी पार्टी में तो नहीं रहने चाहिए, उन लोगों को तो निकाल के बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। हम आपके साथ हैं, गाय का दुरुपयोग मत होने दीजिए, गाय हमारा राष्ट्रीय प्राणी है, उसे तत्काल घोषित करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके डी राजा, डी राजा, डी राजा।